अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मौसम जो है वो बदल चुका है, धूप निकल आई है। कल बहुत ज़्यादा बारिश थी जिसकी वजह से काम रुके हुए थे, तो आज मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आज कंप्लीट कर देना, इसका फ्रेम जो है वो तैयार है, ठीक है। अब इसकी छत वगैरह जो इसका काम है वो हमने कर देना है। तो उस जगह पर हमने अपने गब्बर को बंद किया हुआ था, तो गब्बर के लिए नया घर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं गब्बर इसके अंदर है आज, ठीक है। तो इसी तरह इसको मैं तैयार कर रहा हूँ, इसके अंदर हम चूज़े रखेंगे और इसके साथ वाला जो खाना है ये वाला, इसके अंदर भी हम इसी तरह का फ्रेम लगाएंगे और उसके अंदर हम दो कबूतरों के अपने जोड़े रखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी कबूतर रखने हैं। तो अब मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो काम हो चुका है, तो बाकी अब काम जो है ना बकाया वो अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और इनको दाना पानी सुबह आकर मैंने दे दिया था। चूज़े भी सुबह काफ़ी टाइम घूमते रहे हैं, दाना वगैरह इन सब ने खा लिया है, ठीक है। तो कबूतर खुले हुए हैं, बाकी ये गब्बर और चूज़े ये तंग कर रहे थे, इस वजह से मैंने इनको बंद कर दिया, क्योंकि गब्बर उनके केज में चला जाता था और जाके उनसे लड़ाई करता था। चूज़े भी कभी इधर तो कभी उधर, मैं नीचे जाता था ऊपर आता था, तो चूज़ों का ख़तरा था कोई ईल या कौवा उठा कर ना ले जाए, इस वजह से फिर मैंने उनको बंद कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों जो फ्रेम है ये दोनों मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनके लिए रोटी लेके आया हूँ, ये इसी में शुरू हो गए, तब इनको रोटी देते हैं। और उसको भी दाना वगैरह अंदर ही दिया था, बाहर भी निकाला था, बाहर उनको मारना शुरू हो गया था, तो इस वजह से वापस इसको अंदर कर दिया था। अब ये वाला जो घर है ये गब्बर को देंगे और ये वाला जो है ये सारा चूज़ों को देंगे। चलो 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 चलो, ये ले ले। वाह वाह, सीर साहब तो बड़ी दौड़ी लगा के यहाँ दे रहा हूँ, उसको भी खाने दो। ये लो, चलो फिर उसी के अंदर ही खा लो, जाया ना करना। तो ये खाना शुरू हो चुके हैं और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि ये दोनों जो फ्रेम मैंने लगाए हैं ये कैसे लग रहे हैं। तो अब जो टाइम बचा है उसमें मैं ये वाला काम शुरू करूँगा, अब इसको जल्दी से फिनिश करते हैं, एक दो घंटे में ये कंप्लीट। तो दोस्तों आपको पिजन्स की अपडेट देता हूँ कि ये पेड़ तो बना ही हुआ है, पता नहीं इन्होंने कब अंडे देने हैं। तो माशाल्लाह से इसने भी एक अंडा दे दिया है, और इसका जो छोटा बच्चा वो उस तरफ चला गया, और इसने फिर से अंडा दे दिया, वो इसी का बच्चा है, और ये भी अंडों पर बैठी हुई है। हाँ जी, दोनों अंडे हैं, तो इसको भी चार पाँच दिन के अंदर अंदर निकल आएंगे। और ये है लकों का पेड़, इन्होंने तो पता नहीं देने ही नहीं अंडे, और ना ये अंडे दे रहे हैं। तो दोस्तों ये केज जो है मैंने ये सिर्फ दो से तीन पेड़ के लिए बनाया था, तो फिर ऐसा ऐसा मेरे पास इतने ज़्यादा हो गए, तो इस वजह से अब ये नया केज बना रहे हैं और सारे पिजन जो हैं वो अब इसमें आ जाएंगे।